नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या हल करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। लोगों ने माना तो लोगों ने 56 इंच सीने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया। जब पुलवामा होता है तो आम आदमी नहीं मरता, 40-42 पैरामिलिट्री फोर्स के पूरे लोग मरते हैं। गवर्नर कहते हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। साहब, मुंह तोड़ जवाब देने से बातें नहीं होती। आप पास आतंकवादी मारिए, लेकिन मेरे यहाँ एक लेबर भी मारा जाता है तो उसके प्रति सरकार का दायित्व बड़ा है। हम 500 आतंकवादियों से एक लेबर की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो भारतीय है। आज जो जम्मू कश्मीर में ढूंढ ढूंढ के लोग मारे जा रहे हैं, इसके लिए तो केंद्र सरकार ही जवाब देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी उन्हीं का शासन है और केंद्र में उनका शासन है। क्या हम कश्मीरियों को भारतीय कहने को तैयार हैं? हम आज भी वहाँ हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखते हैं। आज भी हम हर मुसलमान को नफरत की दृष्टि से देखते हैं, हर मुसलमान को पाकिस्तानी कहते हैं। इस देश में हर मुसलमान यदि पाकिस्तानी होता तो 1947 में जब उनको जाने का चांस था तो चले गए होते। क्यों इस देश में रहे? क्योंकि वो अपने इस वतन को अपना वतन मानते हैं। सर, मात्र 35 हटाने से और 370 लगाने से और यूनियन टेरिटरी बनाने से क्या ये किलिंग रुक जाएगी? और यदि रुकनी थी तो क्यों नहीं रुकी? क्या नोटबंदी के बाद आतंक खत्म होना था तो क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है, क्योंकि ये वादे दावे भी केंद्र सरकार ने ही किए थे। नमस्कार, स्वागत आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तोलेंगे हम केंद्र सरकार को। और वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, खासकर वैली में, कश्मीर में, वो कुछ ठीक नहीं है। हमारे ही देश के लोग जो वहाँ काम करने जा रहे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के भुना जा रहा है। मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर का मसला ये कोई आज का नहीं है। कोई इसको 700 साल पुराना इतिहास बताता है। हम देश की आज़ादी के बाद से भी देखें तो अभी तक जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो वैसा ही गर्मा गर्म रहता है। सवाल राजनीतिक गर्माहट की नहीं है, सवाल है जब इंसानों की मौतें होती हैं, शहादत होती है जब हमारे जवानों की, तो कहीं ना कहीं फिर सोचने के लिए मजबूर होता है इंसान कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या हल करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। लोगों ने माना, लोगों ने 56 इंच सीने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद नोटबंदी आई, नोटबंदी के बाद ये बोला गया कि नोटबंदी इसलिए भी ला रहे हैं कि उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लोग इंतज़ार करते रहे, नोटबंदी आई, देश की आर्थिक स्थिति बहुत पटरी से उतर गई, वो पटरी पर चढ़ने का नाम अभी तक नहीं ले रही है। आतंकवाद को ख़त्म नहीं हुआ, एक आर्थिक आतंक इस देश में शुरू हुआ। उसके बाद 370 35A इनको हटाया गया, 370 को सस्पेंड किया गया, 35A हटाया गया। और मैं मानता हूँ कि ये दोनों चीज़ें हटनी भी चाहिए थी। व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछा जाए तो 35A को हटाने के लिए जो संगठन लड़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में मोदी जी दिल्ली में आने के पहले से, उस संगठन से हम भी जुड़े हुए थे। हम भी लगातार सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग में जाया करते थे, लेकिन 2014 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार बोलने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक बार ज़रूर कहा पार्लियामेंट में कि ना 35A हटेगा ना 370 हटेगा, लेकिन हमारी लड़ाई हमने सर्वोच्च न्यायालय में जारी रखी। उसके बाद 2019 में सरकार आई, 370 हटाई गई, 35A हटाई गई, विधानसभा बर्खास्त की गई, यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। यदि कश्मीर में शांति बहाल होती है, कश्मीरियों का विकास होता है या कश्मीर का विकास होता है जो भारत का एक अंग है, यदि जो हमारे भाई है कश्मीरी भाई वो मेनस्ट्रीम में आते हैं तो कौन इस भारत में ऐसा नागरिक होगा जो नहीं चाहता होगा? पूरे देश ने समर्थन किया, जो आवाज़ उठा रहे थे उनकी आवाज़ दबा दी गई। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति वही है, और इसका जवाब कौन देगा? आज जो जम्मू कश्मीर में ढूंढ ढूंढ के लोग मारे जा रहे हैं, इसके लिए तो केंद्र सरकार ही जवाब देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी उन्हीं का शासन है और केंद्र में उनका शासन है।
उन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब वहाँ पूरा प्रशासन संभाल रहे हैं। पुराने गवर्नर मलिक साहब का स्टेटमेंट आता है कि जब मैं था तो आतंकवादियों को घुसने नहीं दे रहा था, मैं नहीं हूँ तो ये हो रहा है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सिन्हा साहब के जाने से ही आतंकवाद आया है? क्या वो कहना चाहते हैं कि सिन्हा साहब जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान में डायल करके बोला होगा भेजो अब मैं बैठा हूँ? ये राजनीतिक बयानबाजी है और इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर तो है। मैं श्रीनगर गया था, एक महीना पहले की बात है, चप्पे चप्पे पे मैंने वहाँ सैनिक खड़े देखे। मुझे लगा 370 ख़त्म होने के बाद जो खबरें मैं पढ़ रहा था कि सरकार वहाँ बहुत डेवलपमेंट का काम कर रही है, अमन चमन, बिल्कुल अमन की बात हो रही है वहाँ, फिर वहीं स्वर्ग बन गया है। मैंने हमारे डोवाल साहब को वो फोटोग्राफ देखा जो रास्ते पे खड़े होकर बिरयानी खा रहे थे, और मुझे लग रहा था कि अब श्रीनगर जाने का समय है। मैं श्रीनगर गया, चप्पे चप्पे पे वहाँ आर्मी के जवान थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर कर्फ्यू के नीचे था, एक भय के वातावरण में सब लोग जी रहे थे। तब मुझे समझ में आ गया कि पुराने और नए स्थिति में बदलाव तो कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों पे हम कह सकते हैं कि 370 हटी है, यूनियन टेरिटरी आ गई है, सरकारें बर्खास्त हो गई हैं। लेकिन फिर नई सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? नया एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? लोग कहते हैं कि इसको बहुत टाइम लगेगा, 1947 से पनपा हुआ ये नासूर, इसको निकलने में टाइम लगेगा। तो फिर सरकार ने कम से कम जनता को आश्वासन में लेके कहना चाहिए कि अभी जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होने में हमको 10 साल चाहिए, 10 साल में हम सामान्य करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आज भी लोग साथ देने को तैयार हैं, लेकिन फिर झूठ बयानबाजी क्यों? बार बार ये क्यों कहना कि वहाँ सब ठीक है? बार बार ये क्यों कहना कि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है? एक आंकड़ा मेरे सामने दिया है, सरकार का आंकड़ा है, अप्रैल 2021 में जब वहाँ इन्वेस्टर्स मीट हुई, बोला गया कि बहुत सारे लोग, देश की 40 बड़ी कंपनियाँ जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में वैली में काम करना चाहती हैं। उसके बाद 456 MOU साइन हो गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे। कितना? 23,152 करोड़ रुपए। लेकिन अप्रैल से लेके आज तक कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने फाइलें मूव हो गई, कितने लोगों ने जमीन के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों को ज़मीन मिल गई, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। 6,000 एकड़ की एक लैंड बैंक बनने की बात हो रही थी ताकि वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए, उसमें 2,125 एकड़ जम्मू में और 1,000 एकड़ कश्मीर में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद 292 जोन बनाने की बात हुई, 150 जम्मू के 10 जिलों में और 142 श्रीनगर के यानी वैली में के 10 जिलों में। ये सारी बातें कागज पे हैं, वर्तमान में क्या है? क्यों वहाँ गोलगप्पे बेचने के लिए बिहार से लोगों को जाना पड़ रहा है? क्यों वहाँ बाहर का लेबर आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करना पड़ता? यदि आज बाहरी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग कैंप में हटाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, उनको एक ट्रांजिट कैंप में रखा जा रहा है, तो फिर पुरानी स्थिति में और नई स्थिति में बदलाव क्या आया? सरकार बदली तो नीति क्या बदली? और नीतियाँ बदली, आपने नए नए डिसीजंस लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल पूछने का अधिकार हमको है और जवाब तो केंद्र सरकार को ही देना पड़ेगा, इसलिए हमने कहा कि सरकार तुलेगी इसमें, केंद्र सरकार। एक बार 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 समझ में आती है, मैं श्रीनगर जाने के बाद मैंने आम आदमियों से बात की जो वहाँ पे छोटे छोटे काम करते हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है, हमारी ज़िंदगी पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी ही है, हम पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप है हम एयर स्ट्राइक करके उनको नष्ट कर सकते हैं, जब हम अपना इंटेलिजेंस इतना पुख्ता रख सकते हैं
तो फिर पाकिस्तान के अंदर से ये जो आतंकवादी घुस रहे हैं हमारी सीमाओं से, इसको हम रोक पाने में क्यों सक्षम नहीं है, प्रश्न ही है। जब ये प्रश्न उठाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप फौज पे प्रश्न उठा रहे हो, देश के सीमाओं पे जो रक्षा करते हैं हमारे, उन पे सवाल उठाता है। मैं उन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं उनके लिए भी आंसू बहा रहा हूँ। क्योंकि जब शहादत होती है तब यदि 11 लोग मारे गए तो 5 सिविलियन हैं तो 6 लोग आर्मी के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। जब पुलवामा होता है तो आम आदमी नहीं मरता, 40-42 पैरामिलिट्री फोर्स के पूरे लोग मरते हैं, जो लोग अपना परिवार छोड़ के हमारी सुरक्षा के लिए, श्रीनगर की सुरक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा के सीमाओं पे हैं, यदि उनकी शहादत होती है तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर माना पड़ेगा। क्यों हमारे पास सूचनाएं नहीं आती, हम कहाँ गलती हो रही है? सब मात्र 35A हटाने से और 370 लगाने से और यूनियन टेरिटरी बनाने से क्या ये किलिंग रुक जाएगी? और यदि रुकनी थी तो क्यों नहीं रुकी? क्या नोटबंदी के बाद आतंक खत्म होना था तो क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है, क्योंकि ये वादे दावे भी केंद्र सरकार ने ही किए थे, इसमें मेरा कोई एक भी शब्द नहीं है। बार बार एक बात समझ में आती है कि लोकल लोग जो है वहाँ रहने वाले, वो सब भारत के साथ रहने को इच्छुक है, सब अपने आप को भारत के साथ ज़्यादा महसूस, ज़्यादा नज़दीक पाते हैं, अपने आप को भारतीय कहने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम कश्मीरियों को भारतीय कहने को तैयार हैं? हम आज भी वहाँ हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखते हैं, आज भी हम हर मुसलमान को नफ़रत की दृष्टि से देखते हैं, हर मुसलमान को पाकिस्तानी कहते हैं। इस देश में हर मुसलमान यदि पाकिस्तानी होता तो 1947 में जब उनको जाने का चांस था तो वो चले गए होते। क्यों इस देश में रहे? क्योंकि वो अपने इस वतन को अपना वतन मानते हैं। क्या जो लोग पाकिस्तान नहीं गए और भारत को अपना वतन मान के, हिंदुओं को अपना भाई मान के यहाँ बैठे हैं, तो क्या उनके साथ हम आज वैसा ही व्यवहार करें जैसा 1947 में पाकिस्तानियों ने भारत के साथ किया? इतिहास को बार बार कुदेर कर हम उस जख्मों को ताज़ा ही करेंगे, लेकिन क्या इससे वर्तमान में स्थिति सुधरेगी? हमें एक शांतिपूर्ण कश्मीर चाहिए। हम चाहते कि सरकार जल्दी वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था करे, इन्वेस्टमेंट आए, बाहर के लोग आए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरे यहाँ से जो लोग गए उनकी सुरक्षा दी जाए। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए कि आज बिहार के लोगों को कश्मीर जैसे जगह जहाँ सिक्योरिटी की थ्रेट है, जान माल की बहुत ज़्यादा थ्रेट है, वहाँ जाना क्यों पड़ता है? क्या ये उस मुख्यमंत्री का नकारापन नहीं है कि जो अपने प्रदेश में अपने लोगों को रोज़गार नहीं देना पड़ दे सकता? और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यदि बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो इसलिए नहीं जाते कि उनको बाहर जाने का शौक है, इसलिए जाते हैं कि उनके राज्य में कुछ नहीं है। क्या राज्य सरकारें वहाँ कुछ नहीं करेगी, सिर्फ बातें करेगी, कमीशन अपॉइंट करेगी, नए नए कॉरपोरेशंस खोलेगी? और ये सब होता है तो फिर लेबर बाहर क्यों जाता है? क्या ज़रूरत थी? लेकिन जाता है क्योंकि उसे कश्मीर में गोलगप्पे बेच के कितना कमाता होगा, कितना अपने घर भेजता होगा? 10,000 रुपये महीना। यदि 10,000 रुपये महीना भी अपने घर में भेजना हो, उसके लिए श्रीनगर जैसे जगह पे बंदूकों के साए में यदि वो काम करता है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात उन मुख्यमंत्रियों की नहीं है जहाँ से ये लोग आते हैं। श्रीनगर की बात करें तो आज हम जब कहते हैं, जब वहाँ गवर्नर कहते हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे, हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, साहब मुँह तोड़ जवाब देने से बातें नहीं होती। आप 500 आतंकवादी मारिए, लेकिन मेरे यहाँ एक लेबर भी मारा जाता है तो उसके प्रति सरकार का दायित्व बड़ा है। हम 500 आतंकवादियों से एक लेबर की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारतीय है, वो हमारा परिवार है, वो हमारा हिस्सा है। उसके घर में एक करने वाला आदमी जब मर जाता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, आने वाले बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। जो भविष्य बच्चे देखते हैं कि अच्छे पढ़ाई करेंगे, कि हमारे पिता हमारे लिए काम कर रहे हैं, जब वो लोगों के समाज के दया पे रहते हैं तो वो होते नहीं हैं। ये हमने हमेशा देखा है, ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका दायित्व किसी को तो लेना पड़ेगा। 9-9 घंटे की मीटिंग लेकर गृह मंत्री को लगता है कि किलिंग रुक जाएगी, तो मैं आशावान हूँ, आप साहब 9 घंटे की जगह 90 घंटे मीटिंग ले लीजिए, लेकिन ये रोक दीजिए।
यूपीए सरकार नहीं रोक पाई, लोगों ने आपको अधिकार दिए और मैसिव मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर की इस फैसले को, इस फसाद को ख़त्म करना होगा, लोकल लोगों को विश्वास में लेना होगा। जम्मू कश्मीर में मैंने जितना भ्रमण किया, जितना मैं समझता हूँ, एक बात तो समझ में आ गई, जम्मू कश्मीर के लोग इस देश में सभी नेताओं को अविश्वास की नज़र से देखते हैं, चाहे उनके अपने हों या श्रीनगर के बाहर के हों। यदि एक आदमी पूरे श्रीनगर में, पूरे जम्मू कश्मीर में भगवान जैसा पूजा जाता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज भी वहाँ लोग कहते हैं कि अटल जी की सरकार लगातार और रहती तो शायद जम्मू कश्मीर का मसला ख़त्म हो जाता। वर्तमान सरकार को अपने पुराने इस जननायक की नीतियों को फिर से खगोलना होगा, फिर से वो विश्वास पैदा करना होगा और ये किलिंग उठाने होंगे। आज मैं यदि जम्मू कश्मीर के ऊपर सवाल उठाता हूँ तो कई कमेंट आएंगे कि मैं देशद्रोही हूँ, कई कमेंट आएंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि लगातार लोग आरोप लगाते हैं। क्योंकि जब सरकार की तरफ आप बताते हो गलती हो गई तो लोग सरकार बड़ी बड़ी बातें करके श्रद्धांजलि देके शहीदों को हो या उन मरने वाले लेबर को हो उसके प्रति घड़ियाली आंसू बहाते हैं, क्योंकि हत्या होना ही बहुत बड़ा जुर्म है। उनका हत्या होना ही इस सरकार के उस प्रयास पर प्रश्न उठता है जो वहाँ सुरक्षा देने की बात करते हैं। सवाल उठाऊंगा क्योंकि मरने वाले मेरे अपने हैं, सवाल उठाऊंगा चाहे मुझे देशद्रोही कहे, सवाल उठाऊंगा। और ये सवाल हिंद वॉइस के माध्यम से आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, क्या ये सरकार की गलती नहीं? और यदि इसके बाद भी कोई कड़ा कदम सरकार को उठाना होगा तो उठाना चाहिए, लेकिन ये मातम का जो तांडव चल रहा है, ये मृत्यु का तांडव चल रहा है, इसको ख़त्म करना होगा। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ, तब तक नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।